हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और वो है जॉन्टी प्लस, जो कि एएमओ इलेक्ट्रिक बाइक्स ने हाल ही में लॉन्च की है। इसके बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के एमजी और फाउंडर मिस्टर सुशांत कुमार। थैंक यू सो मच मिस्टर सुशांत हमारे लिए समय निकालने के लिए। पहला सवाल आपसे ये कि ये जो जॉन्टी प्लस आपने लॉन्च की है, इसकी खासियत क्या है? धन्यवाद मुग्धा हम बातचीत के लिए। जॉन्टी प्लस एक अपने आप में आप कहें तो एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इन ईवी सेगमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, जो कि आजकल टॉक ऑफ द टाउन ही आप बताएं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चर्चा का विषय रहा है पिछले कुछ समय में। असल में अगर देखें तो अभी गोइंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड मार्केट में और अडॉप्टेशन मार्केट में बढ़ती जा रही है, और जैसा कि हमने पिछले साल देखा कि इलेक्ट्रिक ईवी इंडस्ट्री में इन पर्टिकुलर वी हैव फाउंड अराउंड 200% ग्रोथ, 200% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो आगे जाके 800% तक जा सकती है हमारी संभावनाओं के हिसाब से। सो अब नाउ द कस्टमर्स फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू दे आर टेकिंग ईवी नॉट इन अ साइडलाइन ओके बट एज अ मेन स्ट्रीम ऑटोमोबाइल ऑन विच दे कैन रिलाई ओके। जहाँ पे पहले रेंज एंग्जाइटी की बात हो रही थी या फिर लोगों को इतना भरोसा नहीं आता था या आप कहें कि अवेयरनेस की कमी थी, उन सब चीज़ों को कम करने के लिए, उन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए जॉन्टी प्लस एक प्रोडक्ट है जो आपको 120 किलोमीटर की एक रेंज देती है सिंगल चार्ज में। चार्जिंग टाइम सिर्फ 3 घंटे है। इसके अलावा आई थिंक इंट्रा सिटी मूवमेंट के लिए या कहें कि एक शहर में घूमने के लिए, अपने काम को करने के लिए एक सक्षम माइलेज कहा जा सकता है, इससे ज्यादा रेंज होती नहीं है। इसके अलावा जो चार्जिंग टाइम के ऊपर काम किया गया है वो सिर्फ 3 घंटे के आसपास रखी गई है, जिसमें आप अपनी गाड़ी को पूरी चार्ज कर सकते हैं और 120 किलोमीटर फिर से जा सकते हैं। इस चीज के ऊपर भी काम किया गया है कि आप बैटरियों को डिटैचेबल कंडीशन में भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, शॉप्स के ऊपर, जहां भी चाहे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। वेरी कन्वीनियंट चार्जिंग हैज बीन गिवन। यस, तो क्या आप स्कूटर के साथ चार्जिंग स्टेशन देते हैं, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं? एक्चुअली हम लोगों ने इस चीज के ऊपर काफी डिमांड को समझने की कोशिश की कि क्या ये सच में जरूरी है फॉर टू व्हीलर्स, दो पहिए वाहनों के लिए। फाइनली हम लोगों ने जो सॉल्यूशन निकाला है उसमें ये सॉल्यूशन निकाला है कि इन गाड़ियों को ऐसी बनाई जाए कि ये बिल्कुल घर में चार्ज हो सकते हैं ओके। जैसे आप अपनी मोबाइल फोन चार्ज करते हैं जिस प्लग सॉकेट से, बिल्कुल घरेलू सॉकेट से ये चार्ज हो सकती है, कहीं भी चार्ज हो सकती है। तो इसके लिए कोई अलग से चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी आप एक कह सकते हैं कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आप इसे कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। यस ओके। बहुत सारी ईवीज मार्केट में आ रही है, तो जॉन्टी प्लस की ऑफ कोर्स अब 120 किलोमीटर की रेंज तो है ही, लेकिन इसके अलावा कौन से फीचर्स हैं जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे जॉन्टी प्लस के बारे में? डेफिनेटली किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन के समय एमओ हैज इट्स ओन डिजाइन सिस्टम, जहां पे हम लोगों ने प्रोडक्ट की डिजाइन मींस लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लुक सबसे पहली चीज गाड़ी की आती है कि ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो इसलिए हमने यूरोपियन स्टाइलिंग का इसमें काफी इस्तेमाल किया है, जो इंडियन कस्टमर्स को काफी ज्यादा लुभाती है। दूसरी चीज है परफॉर्मेंस, सेकेंड चीज ओके, जहाँ पे आपकी एडवांस बैटरीज चीजों को इजी बनाती है, 120 किलोमीटर जाते हैं। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लिए गए, जैसे बहुत तरह के सेंसर्स इसमें डाले गए, ये नॉइजलेस व्हीकल होती है, बिल्कुल पता नहीं चलता बच्चों को कि गाड़ी स्टार्ट हो सकती है नहीं हो सकती, और कई एक एक्सीडेंट केसेस इस तरीके के आए हैं। तो हम लोगों ने इसमें साइड स्टैंड सेंसर का प्रयोग किया है, चाइल्ड लॉक का प्रयोग किया है, इंजन किल स्विच का प्रयोग किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही अलग फीचर्स हैं मार्केट के साथ में, और इनको एक इंटीग्रेट की गई है चीजों को। इसके अलावा इसमें एडवांस बीएमएस का प्रयोग किया गया है, जो कि बैटरी को लंबी लाइफ देने में सक्षम है, और बैटरी को जैसे रिसेंटली बहुत सारी दुर्घटनाएं सामने आई हैं उनको अवॉइड करने में पूरी तरह से सक्षम है। एक सवाल यहाँ पर, क्या आप अपनी बैटरीज के साथ कोई वारंटी दे रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, हमारी जॉन्टी प्लस की पावर ट्रेन वारंटी, जिसमें बैटरी भी इंक्लूडिंग है, ये 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ कस्टमर्स को दी जाएंगी, ताकि वो 3 साल तक बिल्कुल चिंता मुक्त होकर इस वाहन का प्रयोग कर सकते हैं।
और ये जो जो बैटरी आप यूज कर रहे हैं उसकी एवरेज लाइफ क्या होगी? देखिए, इस बैटरी की लाइफ एवरेज 4-4.5 साल तक होती है अगर इसे रिग्रेसली इस्तेमाल किया जाए। बैटरियों का रख रखाव उसके लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। नॉर्मली हमने जो ट्रेनिंग सिस्टम बनाई है या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है उसमें कस्टमर्स को वाइल सेलिंग द व्हीकल हमने अपने कस्टमर्स को ट्रेंड भी करने का एक प्रोग्राम बनाया है। बहुत हद तक कस्टमर्स ट्रेंड हो रहे हैं और जैसे जैसे उनकी ट्रेनिंग अवेयरनेस बढ़ती जाएगी तो बैटरियों के रख रखाव पे प्रॉपर ध्यान देने से बैटरी की लाइफ हमेशा इन्हांस होती है। ओके, आप 2018 से मार्केट में हैं, तो अभी तक आपने कितने, क्योंकि जॉन्टी प्लस के अलावा भी आपका एक पोर्टफोलियो है कुछ व्हीकल्स का, तो उनके बारे में बताइए कि कितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो है, कितने प्रोडक्ट्स आप अभी तक बेच चुके हैं, क्या वॉल्यूम रहा है 2021 में? जी हाँ बिल्कुल, 2018 से हम लोगों ने एमओ की फाउंडेशन की थी और 2019 से हम लोगों ने अपने डीलर्स को इम्पैनल करना शुरू किया था। अभी आई कैन से वेरी प्राउडली, बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारी प्रेजेंस आज के डेट में 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है जहाँ हमारे 150 से ज्यादा आउटलेट्स एक्टिव हैं। ओके, एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग देयर सम और अदर जॉन्टी प्रोडक्ट और सम एमओ प्रोडक्ट इज गेटिंग सोल्ड, तो उसी प्रकार से जॉन्टी प्लस को भी हमने 150 जगहों पे ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है और कस्टमर्स ये नहीं, अब उनको वेट नहीं करना होगा कि भाई हमने प्रोडक्ट को बुक किया फिर हमें 6 महीने की इंतजार का एक समय गुजारना पड़ रहा है उसके बाद एक प्रोडक्ट आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रोडक्ट कस्टमर जाकर के ले सकते हैं। हमारी ग्रोथ बहुत फिनोमिनल रही पिछले 3 सालों में, 2018-19 की अगर बात करते हैं 20 दिन वी मेड सम प्रोग्रेस। 19-20 में हम लोगों ने मोटा मोटी 200-300% की ग्रोथ दर्ज की। कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ करीब 600% की रही है और आने वाले समय में ये करीब करीब 1000% की रहने वाली है। तो एज अ टीम, एज अ कंपनी, वी आर वर्किंग, हम लोग बहुत मेहनत से इस चीज को काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग कस्टमर की डिमांड्स को और मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल को एड्रेस कर सकें। सो अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग है। ओके, एक जो लोगों के मन में सवाल होता है, कस्टमर के मन में सवाल होता है कि देयर आर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स पर आपके जैसे नए ब्रांड्स होते हैं, तो वहां पर एक थोड़ा सा लोगों के मन में शंका ये रहती है कि क्या बेट ली जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि कंपनी सर्विस ना प्रोवाइड कर पाए लॉन्ग टर्म, तो आप कैसे कन्विंस करेंगे अपने कस्टमर्स को, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हाउ विल यू कन्विंस योर कस्टमर दैट यू आर हियर फॉर टू स्टे? जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये आपने जो पॉइंट बताई बहुत ही वैलिड पॉइंट और कस्टमर्स के मन में कशमकश होती है। आप किसी मार्केट को जब देखते हैं तो शुरुआती दौर में कस्टमर्स के सामने चैलेंज होता है कि भाई कौन सा ब्रांड है, किस गाड़ियों को सिलेक्ट किया जाए और कैसे। इसमें थंब रूल कस्टमर्स के लिए सिर्फ इतनी ही है कि आप उन ब्रांड्स को सिलेक्ट करें जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने में सक्षम। जैसे एमओ ने पिछले 3 साल के सतत प्रयास से, कंटिन्यूअस एफर्ट से, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 150 स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क वी हैव एस्टैब्लिश्ड। ये डीलरशिप नेटवर्क हमारे एक्सक्लूसिव डीलरशिप नेटवर्क्स हैं, यहाँ पे सेल, सर्विस एंड स्पेयर्स तीनों चीज की व्यवस्था होती है, तो कस्टमर्स बेझिझक बेधड़क वहां से अपनी सर्विस डिमांड, सर्विस नीड्स, स्पेयर नीड्स को फुलफिल कर सकता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे जिन कंपनियों की मार्केट पेनिट्रेशन ज्यादा होती है उनके ऊपर आप शुरू में ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही थंब रूल है ऑफ द मार्केट। ओके, तो अब हमारी वो एक स्ट्रेंथ भी है कि हमारी प्रेजेंस इज ऑल्सो आवर स्ट्रेंथ इन द मार्केट। ओके, सो एमओ हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ व्हिच वी हैव यू कैन से दैट अक्रूड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ओके, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है एएमओ में और क्या आपके साथ और भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं जो कि इसके पार्टनर्स हैं? सी, अभी देखिए एमओ कंपनी मैंने फाउंड की थी, हाँ वी हैव डायरेक्टर्स, बट मोस्टली आप कह सकते हैं कि यस, एमओ हैज बीन माय ब्रेनचाइल्ड एंड उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैंजिबल ही मेंशन करना सही नहीं होगा, वी हैव टू सी द इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। ओके, एंड द रिजल्ट वी कैन सी दैट दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज गोइंग ऑन। ओके, सो या ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी ग्रेट प्लान टू इन्वेस्ट फर्दर and we are in talks with lot of investors, okay, those who are, I mean, it will be concluded within 90 days, okay, that which kind of fundings we are getting and which way we are moving forward. So some proposals are under discussion, okay, and I think some of the banks are also shown, you know, some nationalized and some international banks have shown some interest in AMO. अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका जो plant है, आपने बताया था मुझे कि वो नोएडा में आपका plant है, उसकी production capacity कितनी है?
अभी हम लोग मार्केट के हिसाब से वी हैव एडजस्टेड और यू कैन से दैट स्ट्रेच आवर कैपेसिटी टू 3500 पर मंथ ओके व्हिच इज एट दिस मोमेंट इज स्ट्रेच्ड और जो हमारी फ्यूचर प्रोजेक्शन है 1,20,000 गाड़ियां बेचने की अगले साल उसके हिसाब से हम लोग 15,000 पर महीने की कैपेसिटी फेज मैनर में अचीव करने वाले हैं सो द वर्क इज गोइंग ऑन यस And what about profitability? क्या आपकी कंपनी profitable है? जी हाँ बिल्कुल the company is profitable. We are paying good amount of tax to the government. Okay, so that way the ecosystem is going on well. Yes. Okay. अब सवाल ये कि इसके अलावा आपका क्या plan है? क्या आप और products भारतीय बाजार में लेकर आने वाले हैं? जी हाँ बिल्कुल हम लोग इसके अलावा जैसे हम आप अगर देखते हैं तो इट्स एमओ मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड लाइक वी आर वर्किंग मोबिलिटी सॉल्यूशंस ओके सो इन फेज मैनर यू विल सी सम प्रोडक्ट्स सम वेरी गुड प्रोडक्ट्स कमिंग इन द मार्केट ओके नाउ कम टू टू व्हीलर ऑफ कोर्स दिस इज आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट ओके अगले 6 महीने में आप कम से कम 3 नई प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे मार्केट में जो एमओ लॉन्च करने जा रही है एक एक करके ऑल ऑफ 3 विल बी हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट यस अगला सवाल आपसे ये है कि लोकलाइजेशन कितना आप कर पा रहे हैं फिलहाल और आपके मेजर जो वेंडर्स हैं वो कौन हैं या मुग्धा जी ये एक बहुत बड़ा सवाल इंडस्ट्री के सामने भी है ओके जिसके ऊपर आई थिंक बहुत चर्चा होनी भी चाहिए और वी हैव बीन डूइंग इट कंटिन्यूअसली देखिए लोकलाइजेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईवी इकोसिस्टम व्हाट वी मेक अभी अगर आप देखें तो हर 3 महीने में सिचुएशन इतनी डायनामिक है कि हम एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं ईवी इंडस्ट्री एज अ होल एंड मैं बहुत खुश हूं आपको ये बताते हुए कि बहुत सारे हमारे ईवी के वेंडर्स अभी उन्होंने ईवी के ऊपर फोकस किया और लोकलाइजेशन कंटेंट को बढ़ाते जा रहे हैं यस फॉर सम मॉडल्स वी हैव लोकलाइजेशन अटेंड अप टू 100% ओके फॉर समथिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स हमें आयात पे निर्भरता रखनी होती है बट वो निर्भरता जैसे अगर मैं कहूँ 3 साल पहले 80% होती थी पिछले साल तो 50 है तो आज के डेट में 30% से भी कम है 30% से कम है और आगे जाके फ्यूचर में 1-2 साल में आप देखेंगे भारत एक सेल्फ सफिशिएंट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंट्री होने वाली है ईवी के सेगमेंट में और यही हमारा ध्येय भी है इसके हिसाब से हम लोगों ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफी फोकस रखा है पिछले 3 सालों में और आगे भी हम लोग उसके ऊपर में काफी फोकस्ड है यस और बैटरी लेकिन एक ऐसा एरिया है जहां पर अभी भी काफी कुछ डिपेंडेंस बाहर है तो क्या आपको लगता है वो भी लोकलाइज हो पाएगा बिल्कुल 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 क्योंकि अभी बहुत सारे कंपनीज जैसे आप NTPC की बात करते हैं या फिर PGCIL की बात करते हैं सर बहुत सारे सरकारी कंपनियों ने इस चीज़ के ऊपर कदम उठाया है क्योंकि एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात होती है प्लस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को PLI से भी जोड़ा गया है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव से सो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं और बहुत लोगों ने अपनी सोच को प्रकट किया है कि दे वॉन्ट टू मेक बैटरीज इन इंडिया एंड आई थिंक दिस वर्क इज गोइंग ऑन faster than what we think. Okay, in another 2-3 years, the lithium battery production or lithium cells production will be reality in India. And India will be self-sufficient in terms of lithium cells. Beside lithium, there will be some new technology also, okay, on which the research is going on. But आप ये कह सकते हैं कि अगले 2-3 साल में भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होगा तो going back to my initial question, अगर आप इस वक्त की बात करें तो आप in percentage terms कितना localized है on your entire portfolio? It is 100% local. 100% local. The Jaunty Plus is 100% local product, okay, which has mm-hmm. been manufactured in India itself. Okay. आपने बताया कि अब तो इस साल 2022 में आप 3 और नए products लेकर आने वाले हैं. तो किस तरह की growth आप expect करके चल रहे हैं 2022 के लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री प्लस आवर ग्रोथ ये मिला करके मोटापोटी 1000% की होने वाली है सो वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ नॉट लेस देन 10 टाइम्स ओके टू बी वेरी रियलिस्टिक इफ एग्जैजरेटेड मे बी 15-20 टाइम्स यस ऑलराइट थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए थैंक यू वेरी वेरी प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑलराइट थैंक यू